कुवैत का झंडा गोद कर पट्टिका के साथ लगाए गए 45 हैंडपंप। तिरंगे का किया गया अपमान, पट्टिका पर लिखी है अरबी भाषा, विदेशी निशान को देखकर लोग हैरान। अलीगढ़ जिले के अकराबाद क्षेत्र से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर विदेशी भाषा का लिखा हुआ पट्टिका का पत्थर लगाकर हैंडपंप लगाए गए हैं, जिसको लेकर इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। दरअसल छर्रा विधानसभा क्षेत्र में अकराबाद ब्लॉक के गांव खुर्रमपुर व दुभिया में करीब 45 हैंडपंप लगा दिए गए हैं। हैंडपंप के पास शिला पट्टिका अरबी भाषा में है। पट्टिका पर कुवैत का ध्वज है, पास ही भारत का तिरंगा भी है। उसमें मात्र 8 तीलियां ही हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। यकायक 45 हैंडपंप लगने से क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आशंका यह भी है कि कहीं यह कोई विदेशी साजिश तो नहीं है। अलीगढ़ जिले के छर्रा विधानसभा विधायक रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि अकराबाद खुर्रमपुर व दुभिया गांव के लोग उनसे मिले। उन्होंने शिकायत करते हुए उनके क्षेत्र में संप्रदाय विशेष का एक युवक, जिसका नाम बोलू बताया गया है, उसने हैंडपंप लगाए हैं। हैंडपंप के पास ही शिला पट्टिका लगवा दी गई है। कुछ पर अरबी भाषा में लिखा हुआ है, कुवैत का ध्वज भी है, बगल में तिरंगा है। तिरंगे में 24 की बजाय 8 तिलियां हैं। विधायक ने बताया कि उन्होंने अकराबाद के खंड विकास अधिकारी से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि उनके यहां से हैंडपंप नहीं लगाए जाते हैं। पिलखना नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र कुमार से भी पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया, वह नगर पंचायत में नहीं आते। वैसे भी इस तरह का हैंडपंप नगर पंचायत से नहीं लगता है। सवाल उठता है कि एक साधारण युवक के पास इतना पैसा कहां से आया जो 45 हैंडपंप लगवा दिए। विधायक के अनुसार जानकारी जुटाने पर पता चला है कि धौरा माफी से उसे हैंडपंप मिले गए। उसने नाम पता किसी का नहीं बताया गया। छर्रा विधायक ने आशंका जताई है कि यह विदेशी साजिश भी हो सकती है। विधायक ने डीएम चंद्रभूषण सिंह से शिकायत की, जिस पर उन्होंने एसडीएम कोल अनीता यादव को जांच सौंपी है। काम को तुरंत रुकवाने के लिए भी कहा गया है। इसमें यूनिवर्सिटी से मैंने जानकारी की थी तो वहां से मालूम पड़ा था कुवैत राज्य आपके पक्ष में है। शेख अब्दुल्ला नूरी चैरिटेबल सोसाइटी भारत के भाइयों के लाभ के लिए हैंडपंप स्थापित करता है। शेख अब्दुल्ला नूरी चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्यालय कुवैत, उस पर लिखा हुआ था। बताएंगे किस तरह की शिकायत की है आपकी तरफ से, जो नल लगाए गए हैं, क्या है मामला पूरा? मेरी छर्रा विधानसभा में एक ग्राम पंचायत है नगला दुभिया, दुभिया का भी गांव पहले एक जगह थे, ये हमारा खुर्रमपुर भी है जो अलग अलग हो गए इस समय। वहां पर मुझे जानकारी मिली गांव के लोगों से कि वहां पर नल लगाए जा रहे हैं, और वो भी नल वहाँ जो पानी सिर्फ मुश्किल से 10 दिन देंगे, उसके बाद पानी भी नहीं मिलेगा उनसे। 4 नंबर मशीन जो पुरानी पहले लगती थी, जब मैंने वहां पर देखा जा करके और जब मेरे पास फोटो भी आया, मैं वहां देखा तो ये जो लगा रहे हैं उसमें एक कुवैत का लगाने वाला है कोई, और वहां पर अरबी भाषा में उसमें प्लेट लगा रहे हैं, जो उसे ना कोई पढ़ सकता है ना कोई जानकारी मिल सकती उससे। और अरबी भाषा की प्लेट, उसमें झंडा एक तरफ इंडिया का, एक तरफ कुवैत का है। इंडिया का जो झंडा बनाया है उसमें जो अंदर तिल्ली होती है उसमें भी मतलब उन्होंने नहीं देखा है, जो हमारे एक सम्मान से हमारा झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, उसको देखना चाहिए उसमें कितनी तिल्ली होती है, कितने उसमें चक्र में डंडे होते हैं, उसमें भी उधमपुर उन्होंने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि 24 तिल्लियां होती है उसमें, उसमें 8 तिल्लियां कुल 24 की जगह पर 8 तिल्ली लगाई है। जब वो ये भी हमारा एक झंडे का अपमान है, तो मैंने माननीय डीएम साहब से अपने जिलाधिकारी महोदय से कहा है खुद जाकर के, मैंने कहा इसकी जांच कराई जाए, किस विभाग से परमिशन लिए उन्होंने, किस आधार पर लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो कम से कम एक विभाग में जानकारी होनी चाहिए। बीडीओ ने भी मना कर दिया, डीएम साहब को जानकारी थी नहीं, उन्होंने तुरंत मुझसे एडमिशन लेके और अपने एसडीएम को उनको दी जांच के लिए कि तुरंत जांच कराई जाए और इसे काम को बंद करा दिया जाए। कौन है व्यक्ति ये जो कर रहा है? ये हमारे यहाँ खुर्रमपुर गांव है, वहाँ का है कल्लू बोलू, बोलू है, और बोलू का उसके संबंध है कोई, यहाँ पे तुम्हारे धौरा माफी में रहता है कोई, मुस्लिम समुदाय से ही है ये, और न किसी से पूछ रहे हैं कुछ कह रहे हैं, और 40-45 नल लगवा दिए। तो कुछ जानकारी मिल सकी है अब तक जो इसमें क्या बजट कहाँ से इनके पास आ रहा है? ये कुवैत से आ रहा है। तो विदेशी कोई ताकत इसमें, विदेशी ताकत है इसको, हमें शक है कोई विदेशी ताकत इसमें असर दे रही है, और इसको किसी भी कीमत पर ऐसे नहीं लगाने देंगे। और उनको लगाने तो यहाँ पर मिले, डीएम को बताएं, और यहाँ पर इसको अपने
जिले के जो पदाधिकारी हैं या जिले के हमारे जो अधिकारी हैं उनको उनसे जानकारी लें और उसके बाद उनको काम करेंगे तो होने देंगे नहीं होने देंगे। शासन के संज्ञान में भी डाला आपने जिला प्रशासन? अभी जिला प्रशासन के संज्ञान में डाला है या कि रिपोर्ट आने के बाद जब तरह की कार्रवाई की जाएगी। वैसे कि जो हम इस तरह से मतलब विदेश के यहाँ पे आकर हमारे यहाँ लगाएंगे और वो भी ये छोटी मशीन, अरे लगाने तो पहले हमारे यहाँ पे प्रशासन को बताएं, जिलाधिकारी से परमिशन लें और 400 नहीं 500 लगाएं पर हमारी जानकारी में दो, इनके विदेश का पत्र कैसे अपने आप ले जाने देंगे, ये जो इनकी साइज है इनको नाकाम करेंगे पूरी तरह से, इन्हें किसी की ओर पर कोई बिना इस तरह का नहीं लगने देंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर वली है सर जी, और मैं यहाँ लखनऊ से ताल्लुक रखता हूँ जी। भोलू भाई हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे बात है यहाँ, तो हमारे जानने वाले हैं अलीगढ़ में धोर्रा माफ़ी में, तो हमने उनसे दरख्वास्त की जी। वो जो है कि पुण्य के काम कराते रहते हैं, मतलब उनसे जब कहा तो उन्होंने एक बार लॉकडाउन में राशन भी बांटा जी, तो उन्होंने हमसे कहा लोगों से कि दो लोगों का इंतखाब किया कि मतलब इसको रात के अंधेरे में बांटे, खामोशी से लोगों को घर जाकर दें। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इन्होंने नल की गुजारिश की कि दो चार लोग हैं बड़े गरीब हैं और नल नहीं लगवा सकते और बड़े परेशान हैं पानी के ताल्लुक से, कोई प्रधान सुनवाई नहीं कर रहा है ना कोई विधायक सुनवाई कर रहा है, तो उनसे हमने जाकर कहा कि 10-5 नल दे दीजिए आप, हमको मदद कर दीजिए, तो उन्होंने सामान भिजवाया इनके लिए, उन भाई को दिया सामान कि आप जाएं उन्हें नल लगवा दें गरीबों के अगर ज़रूरतमंद हैं। कितने लगवाए? तकरीबन ये तो 30 से 35 नल तकरीबन पूरे लगे हैं। कहाँ कहाँ लगे जानकारी? ये धुबिया है, बिलोटी है और ये खुर्रमपुर है, यहाँ नल लगे हैं।